इनाम पीछ वाला ले लो, मेरा कहाँ मेरा है पीछ वाला ले दिखाइए। लो। अरे जला दिया रे भाई, अरे जला दिया रे भाई, बचा लो, पीछ वाला जला दिया। बस अब गाइस, तो आज हम पता नहीं क्या करने वाले हैं दोनों मिलकर, और ये कौन है आपको पता नहीं है। सो ये हमारे चील भाई साहब, हेलो। चील भाई साहब का नया स्किन। हेलो सर, हेलो हेलो। तो सर आज हम क्या करने वाले हैं, एक बिल बैटल चैलेंज, ठीक है। सर ये करने तो वाले देखना हैं। है कि, अरे भाई फिर से जला दिया मेरे को, ये जलाते बहुत है। सो गाइस, आज हम पागलबंदी बहुत ज्यादा करने वाले हैं। सो वीडियो का इन तक देखना, आपको बहुत ज्यादा शायद मजा आने वाला है। ओके तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद, क्योंकि हम इस विलेज को पता नहीं कुछ भी करेंगे पर जला देंगे। तो अरे सर जी, सर जी, सर जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर जी, सर जी, चलो चलिए स्टार्ट चलिए। करते हैं। ओके, इसमें दो सेम घर मेरे को दिख रहा है। सो एक घर आप मॉडिफाई करेंगे, एक घर मैं मॉडिफाई करूंगा, जिसका बेटर होगा उसको मटन मिलेगा। ओह मटन, यस 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 यस, अब तो पक्का पक्का मैं ही जीतूंगा। मैं हारने वाला हूँ, पहले ही बता दूं। आप कैसे भी उस घर को मॉडिफाई कर सकते हो, बट उस एरिया का अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, मतलब घर उतना ही बड़ा रहे, उससे ज़्यादा बड़ा ना हो। हेलो, 10x10 का हम घर बनाएंगे। सो आप देख लीजिए, कोई भी घर चूज कर लीजिए आपके लिए हिसाब से। हमने सर घर ले लिया। आप ओके, आपका वो घर, तो हम चूज करेंगे ये घर। हाँ मैं इस घर को ही मॉडिफाई करूँगा, देखो थोड़ा बहुत तो आता है, ठीक है। ओके सर, ओके। सो टाइम स्टार्ट होता है। तो कितना टाइम सर? पता नहीं, जितना भी टाइम ले लो। मेरे को तो 3 साल लग जाएगा लगता है घर बनाने में। ठीक है सर, मिलते हैं 1 साल बाद। 1 साल बाद, ओके। तो गाइस हम मिलते हैं 1 साल बाद, और बिल्ड बैटल के लिए चक्कर है। पता नहीं क्या बिल्ड करूंगा, आई डोंट नो, उनका पता नहीं, उनके वीडियो में देख लेना वो क्या बनाएंगे, और बाकी का तो मैं इधर तो बना रहा हूँ। सो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो गाइस आप लोग इसको बिना देखे भाग जाओ, तो इसीलिए मैं बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे। सो हम दोनों बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो एक छोटा सा अलग सा कुछ वीडियो बनाते हैं बिल्ड वैसल जैसा। सो ये वाला वीडियो तो बिल्ड वैसल जैसा है, बट बिल्ड वैटल नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम दोनों सिर्फ बातें किए थे बहुत ज़्यादा, और कुछ कहानियाँ बनाए थे जो कि लास्ट में आपको, आखिर में आपको पता चल जाएगा क्या कहानी था। सो वो भी आप देख लेना पूरा, आखिर तक वीडियो देखना, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। और इस वीडियो पे गाइस अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस हुआ, तो इस वीडियो मतलब इसको हम एक सीरीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, और बहुत सारे बंदों को इसमें शामिल करवाएंगे, उनके साथ हम बैटल करेंगे, रियली मतलब असली का बैटल करेंगे, और वो मैं करूँगा भी। और अगर ठीक है इस वीडियो में 200 लाइक्स हो जाते हैं, तो इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा, और किसी और के साथ मैं करूँगा, ये इनके साथ ही करूँगा, बट रियल का विल बैटल करूँगा, ऐसे मजाक मस्ती नहीं करूँगा। बट अगर इस वीडियो में 300 से भी ज़्यादा लाइक हो जाते हैं, 200 लाइक हो तो जल्दी वीडियो आ जाएगा, और अगर 300 लाइक हुआ तो हम लोग आप लोगों के साथ भी खेलेंगे। हाँ, अगर आप जो वीडियो देख रहे हो आपके साथ भी हम खेल सकते हैं, ये नहीं कि आप यूट्यूबर ही हो ऐसे खेलेंगे, नहीं भाई आपके साथ भी खेल सकते। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक भी कर देना, और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैंने ऐसे बनाया कि लग रहा है घर ने आईब्रोस लगाया है, वो भी ब्लैक ब्लैक। क्या हाल है घर का मेरा। हेलो
टूटे फूटे विलेज में दो घर बनाए अपने, हमने यहाँ पर एक यहाँ पर एक इसका कुछ पता नहीं क्या है बट ये वाला पूरा टट्टी है मेरा वाला पूरा टट्टी है और इसका तो कुछ पता नहीं है, वो मैंने देखा भी नहीं अभी तक पूरा। देख रहे हैं इस घर के पीछे एक कहानी है। हाँ, एकदम कहानी ये है, बोलिए सुनता हूँ कहानी। कहानी ये है कि एक विच आई थी यहाँ पे, जिसने सबको मार दिया था, समझ रहे ना, वो जो हूँ करती है हूँ ऐसे। हाँ तो फिर वो आई, सबको मार दिया और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे कुछ नहीं है, सब जाला वाला लगा हुआ है, कोई जीव जंतु नहीं रहता। तो अभी क्या है कि अब वो विच यहाँ पे बस गई है, उसको कहीं और कोई जगह मिली नहीं, तो उसने वो यहीं पे रहने लगी। और उसने यहीं पे ये जो घर है जो आप देख रहे हैं एकदम पीछे जो देख रहे हैं एकदम इसमें रहने लगी है वो। हाँ तो ये है विच की सिक्योरिटी। ओके हाँ तो और ये कौन है विच का आदमी कौन पीछे ये हाँ विच जिसके जिसका खोजते हुए इस विलेज में आई थी, उसका जो भी है वो प्रेमी जो बोलते हैं ना, ये तो इसका शक्ल मुझे कुछ कुछ आपके जैसा लग रहा है। नहीं सर आपको आपकी आंखों में समोसा है इसीलिए तो अकेले में जब होती है तो गलत काम करने के लिए ये जगह है उसके। अच्छा ओके हाँ तो यहाँ से पूरे विलेज अच्छा, पे विलेज पे नजर रखती है वो। ओके विलेज पे नजर इसीलिए। ओके सर अभी बाहर बाहर से देखेंगे तो यहाँ पे नीचे छोटा सा कैबिन है, ऊपर एक कैबिन है और यहाँ पे ये छोटी सी चिमनी है जो शायद नहीं काम कर रही हाँ तो सर ये था विच का घर, हमारा नहीं है सर, मेरा नहीं है सर, विच का है। उसने मुझे मारा था इसीलिए मुझे बनाना पड़ता है उसके लिए। उस विच के घर में जो आदमी काम करता रहता है ये उसका घर है, छोटा सा घर है उसका, ठीक है इसका छोटा सा घर है। तो वो यहाँ पर थोड़ा सा पीक पाल के रखा है क्योंकि उसे खाना खाने को जरूरत पड़ता है कभी कभी, विच तो उसे कुछ खाती देते नहीं है, तो वो इधर आके खाती है, ठीक है। और उसका पता नहीं उसने क्यों रखा है ये पिक, तो है बिल्स खाती नहीं है बट पता नहीं उसका क्या दिमाग पे चल रहा था वो ये लगा दिया। ये लो ये खाओ खाओ इधर ही आ गया ये लो पीट को बेड देते हैं। ओके तो ऊपर आ जाओ और वो देख रहे हो विच के लिए रेड रेड एकदम ताजा ताजा खून यहाँ पर रखा हुआ है। ओ इसका भेड़ का खून पिक का खून पता नहीं किसी किसी का होगा किसका भी हो सकता है ऐसे उसका ही होगा। और अंदर चलो तो ये है उसका छोटा सा कमरा, मस्त है छोटा सा कमरा, पता नहीं उसने ये क्यों लगाया है, बुक का क्या काम है पता नहीं। और बट उसके पास एक छोटा सा डायमंड है, वो आईएएस की तैयारी कर रहा है तो उसको किताबों की जरूरत पड़ती है, हम समझ के खुदाई करने जाता है ना तो वो ये पहन के सेफ्टी फर्स्ट। ओके मैं थोड़ा सा ज्यादा ही दिमाग चल गया था अटक के तो इसने ये बार पता नहीं आओ जादू, ये भी जादूगर है और यहाँ पर बुक्स भी है, उसके पास बुक्स भी है, देखो देखो बुक्स भी है उसके पास। ओ ब्लास्ट प्रोटेक्शन फायर प्रोटेक्शन अब उसको मारती है ना तो वो प्रोटेक्शन आर्मर से पहन के पहन लेता है। हाँ वो तैयारी कर रहा है उसके मारने के लिए, समझ गए समझ गए सर। और उसका घर वो कब्जा करने वाला है सो आई डोंट नो पता नहीं। और ऊपर चलोगे ऊपर कुछ खास है नहीं वैसे सर, क्या है ये मतलब ये क्या है ये कितना ऊपर चलेंगे आपके इरादे सही नहीं लग रहे हैं अटक क्यों जाते हैं मैं भी अटक गया आगे यहाँ से छुप के वो बीच के घर ऐसे देख सकती है और इसमें पीछे छुप जाएगा तो उसको दिखेगा भी नहीं। समझदार आदमी है वो, इसका नाम क्या है मिस्टर सी, इसका नाम है मिस्टर सी बट
मुझे पता नहीं उसने अपना घर वुड का क्यों बना के रखा है और उसके घर में इतना वाइन्स और लिप्स का है, क्या क्या कर रहा है। हाँ वैसे तो अब मैंने अपना ये दिखाया नहीं, उसका छोटा सा एक बालकनी, इधर से एक बालकनी भी था ना। यस सर हम देख लिया। अरे वाह, छोटा सा बालकनी भी है, बालकनी है और सामने नजारा अच्छा है, अच्छा नजारा। ओ भेड़, हेलो भेड़। पीछे देखो, पीछे एक ये आया, मेहमान आया हमारे इलाके में, ये देखो। हेलो मेहमान। मेहमान भाग रहे हैं यार पीछे पीछे। तो आप लोग बताओ किसका घर कैसा है और किसके घर में आप लोग को क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया। तो हम लोग फिर से आके यहाँ पे आके फिर से हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। हम तो सो आज ट्राई कर रहे थे कि कैसा हम बना सकते हैं, बट नेक्स्ट वीडियो और जो भी आएगा उसके बाद पूरा प्रिपेयर होके आएंगे, एकदम ओपी से एकदम बनाएंगे हम दोनों मिलके। हम मस्त ऐसे ही मजाक मस्ती में बना रहे थे। तो वीडियो को हम गाइस यहीं पर एंड करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा अगर आप लोगों ने लाइक एम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, जो 200 लाइक कर दोगे तो इनके साथ आ जाएगा और 300 करोगे तो आपके साथ भी हम खेलेंगे। ठीक है, तो गाइस आज का वाला वीडियो अगर पसंद आए जरूर से एक बार लाइक तो कर ही देना, कमेंट भी कर देना। सो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।